शिवपुरी शहर के पोहरी रोड चौराहे पर पाल बघेल समाज के लोगों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सुरवाया थाने के सामने सड़क पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड से एक बाइक टकरा गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रविन्द्र पाल नाम के युवक की अस्पताल लाते समय मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पीएम हाउस भेजा था, जहां रात में पीएम कराने से मृतक के परिजनों ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर पुलिस ने पाल बघेल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर मारपीट की। पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के विरोध में समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर चक्का जाम किया। कल पुलिस की लापरवाही से हमारा एक बाप की इकलौती संतान पुलिस की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। सुरवाहा थाने के सामने शाम का यही समय था, लगभग 24 घंटे होने को जा रहे हैं। इसी समय वो लोग अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे बाइक से, और इन्होंने पैसे लेने के चक्कर में या चालान के चक्कर में एकदम से एट ए टाइम उन्होंने बैरिकेड एकदम से बाइक के सामने कर दिया, जिससे टकरा करके एक हमारे भाई की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। एक ग्वालियर एडमिट है और एक शिवपुरी एडमिट है। आपके भाई का जो खत्म हुआ है उसका नाम है रविन्द्र पाल। कहाँ से आ रहे थे? ये बक्सनपुर से आ रहे थे और शिवपुरी के पास एक गाँव है, किरोली गाँव, ये लोग जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ पच लेकर के। पच होता है, लड़का हुआ था उनके यहाँ, तो पच लेकर के जा रहे थे। की जो घटना हुई सुरवाया में वो दुखद घटना हुई। एक होनहार बालक की मृत्यु हुई, उस परिवार का दुख असीमित होता है और उस असीमित दुख में पुलिस वालों का जो कहना है कि हमको गालियां दी, स्वाभाविक बात है। मैंने एसपी साहब से भी कहा, बच्चे का मरने का कारण क्या निकल गया? एक्सीडेंट से डिवाइडर। तो इसका मुझको कैसे बताओ?